नमस्ते बच्चों, तो आज हम लोग पाठ अनोखा ढंग के बाकी बचे अंश को पढ़ते हैं। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। वह यह नहीं कह सकी कि अकेले ही जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे, कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तो 15-16 साल की ही थी, अकेली कभी कहीं गई नहीं थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। स्वयंसेवक मतलब अपनी इच्छा से सेवा करने वाला। तो बापू जब मनु को जाने के लिए बोले थे तो मनु उस समय 15-16 साल की ही थी। मनु अकेले जाने में डर रही थी क्योंकि वो कभी अकेली कहीं नहीं गई थी, और उस नोआखली गांव में नारियल और सुपारी के जंगल भी थे। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वो किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया, उस पर बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वो लड़की है, वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच, दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। मनु का बुरा हाल था, उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी तो क्या को क्या पता कि पत्थर का वो टुकड़ा इतना अनमोल है, उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। मनु जब जुलाहे के घर पहुंची तो जुलाहे के घर में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया को सारी बात बताई, लेकिन बुढ़िया को पता नहीं था कि उस पत्थर का टुकड़ा इतना अनमोल है। इसीलिए बुढ़िया उसको उस पत्थर को एक कूड़े में फेंक दी थी। तब फिर दोनों मिलकर उस पत्थर को ढूंढने लगी। कौन कौन? बुढ़िया और मनु। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी, लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी, भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी। वो सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वो पत्थर डालकर रो पड़ी। मनु सुबह 7:30 बजे घर से निकली थी और जब पत्थर लेके लौटी तब 1 बज चुका था। उसको 15 मील चलना पड़ा था, इसीलिए वो बहुत थक गई थी और भूख भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। लेकिन मनु पत्थर को बापू को देने के बाद उनकी गोद में सिर रख कर रोने लगी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है, जेल में रहूं या महल में सदा यह मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। ये पत्थर जो है 25 साल से गांधी जी के साथ था। गांधी जी कहीं भी जाते थे इस पत्थर को साथ में लेके ही जाते थे, चाहे वो जेल में हो, चाहे किसी गांव में हो, चाहे कोई महल में हो। ये पत्थर गांधी जी के लिए अनमोल तो था, लेकिन गांधी जी मनु को बताना चाहते थे कि किसी लापरवाही उचित नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने मनु को अकेले ही जाने के लिए बोले थे। मनु ने कहा, बापू अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। क्यों लिया? डर से, क्योंकि वो कभी भी अकेली कहीं नहीं जाती थी। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। बापू ने क्या जवाब दिया? कि मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, साहसी बनाना चाहता हूँ और निर्भीक बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन ज़रूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। कसौटी मतलब परीक्षा। बापू ने कहा कि मैं स्त्रियों को निडर तो बनाना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ जो परीक्षा लेने जा रहा था,
लेकिन उसमें मेरी भी परीक्षा हो गई। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं स्त्रियों को निडर, निर्भीक, साहसी बनाना चाहता हूँ। तब मनु ने मन ही मन सोचा कि बापू का ये सीख देने का जो तरीका है ये बहुत अनोखा है, तभी इस पाठ का नाम अनोखा ढंग रखा गया। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।